नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा आलेख आर्ट और आर्किटेक्चर से। मैं होम बनाओ की वीडियो प्रोड्यूसर भी हूँ और आज मैं जैक्वार ओरिएंटेशन सेंटर में हूँ। यहाँ हम आर्टिस्ट सेक्शन में हैं जो प्रीमियम रेंज डिजाइनर रेंज के शावरिंग सॉल्यूशंस, बाथ सॉल्यूशंस के सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे आपको और मैं आपको हर एक्सेसरीज की खासियत भी बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं सीधा आपको सारे एक्सेसरीज बताना शुरू करती हूँ। तो हम अभी शावर सॉल्यूशंस के एक्सेसरीज देखने वाले हैं। यहाँ आपको थर्मोस्टैट मिक्सर्स, रेगुलर मिक्सर्स सारे मिल जाएंगे, पर एक खास बात आर्टिस्ट की डिज़ाइन में ये है कि ये एक जॉयस्टिक का ऑपरेशन है। इस जॉयस्टिक से आप टैप को इस प्रकार ऑन कर सकते हैं, गर्म पानी के लिए इस तरफ मोड़ सकते हैं, बीच में मोड़ने से आपको गर्म ठंडा मिक्स आएगा और राइट साइड में मोड़ने से आपको कोल्ड वाटर आएगा। तो इस तरीके से ये जॉयस्टिक का ऑपरेशन होगा और अगर आपको शावर यूज करना हो तो आप इस बटन को दबा दें। इस शावर में पानी कैस्केड के जैसे निकलता है, एकदम वाटरफॉल के जैसे आता है। इसके शावरिंग और इसके मिक्सर की डिजाइन की हूबहू डिजाइन आपको पाउच में भी मिल जाएगी जो आप अपने वॉश बेसिन के साथ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी पूरी बाथरूम एक ही डिजाइन की, एक ही तरीकों के एक्सेसरीज से बन जाएगी और बहुत अलग भी नहीं लगेगी और एक साथ बहुत प्यारा लगेगा। और एक पाउच टाइप ये भी है कि आपके जो नल है रेगुलर मिक्सर्स जैसा ही है, पर इसमें इसकी डिजाइन की वजह से पीछे के जो पोर्शंस है वो ढक जाते हैं और ये दिखने में भी और सुंदर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसके जो सीलिंग शावर्स है, तो आपको सीलिंग शावर्स को फॉल सीलिंग के अंदर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें 1 फीट से लेके 3 फीट तक की साइजेस के भी सीलिंग शावर्स है। तो यहाँ सबसे छोटा जो सीलिंग शावर है इसमें आपको रेन शावर और मिस्ट मिलेगा। मिस्ट बेसिकली आपके छोटे मॉलिक्यूल्स से बना पानी है जो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा। बाजू वाले में आपका मिस्ट, कैस्केड और इंटेंस तीनों शावर टाइप्स मिल जाएंगे और ये एक ओवल शेप है। जब भी स्क्वायर शेप है इसके साथ एक ओवल शेप है। आप अगर सीलिंग शावर लगाना चाहे तो इसके लिए आपको फॉल सीलिंग तो लगाना ही है, साथ में एक पंप भी लगाना पड़ेगा ताकि आप इन शावर्स को ऑपरेट कर सके और उसका प्रेशर आपको अच्छा सा मिल सके और इसको एंजॉय कर सके। तो जैसे मैंने आपको बताया था थर्मोस्टैट मिक्सर बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपका गर्म ठंडा पानी मिक्स होके एक 38 डिग्री टेम्परेचर में आता है। 38 डिग्री टेम्परेचर अपना एवरेज पानी का टेम्परेचर होता है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहे, 38 से ज्यादा करना चाहे, तो इस बटन को प्रेस करके ऐसे घुमा सकते हैं और ये चाइल्ड लॉक की तरह है ताकि कोई बच्चा इसको घुमा दे तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से उसका हाथ नहीं जल जाए, उसका बॉडी नहीं जल जाए, इसलिए इस बटन को रखा जाता है। आर्टिस्ट रेंज में खासियत थर्मोस्टैट मिक्सर की ये है कि आपको 5 एप्लीकेशंस एक ही थर्मोस्टैट में मिल जाएंगे। जैसे जैक्वार रेंज में मैक्सिमम 3 एप्लीकेशंस होते थे एक थर्मोस्टैट मिक्सर का, यहाँ पे आप 5 तक जा सकते हैं। जैसे पहला वाला आपका स्पाउट हो गया, दूसरा वाला आपका बॉडी शावर हो गया, तीसरा वाला आपका हेड शावर हो गया और चौथा वाला आपका हेड शावर में जितने वेरिएशंस है शावर टाइप्स, समझो तीसरे वाले में आपका कैस्केड आएगा, चौथे वाले में आपका रेन शावर आएगा और पांचवे वाले में आपका मिस्ट आएगा। तो इस प्रकार आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात ये है कि थर्मोस्टैट मिक्सर्स को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ये डिसीजन प्लम्बिंग के टाइम ही लेना पड़ेगा। आपके बाथरूम्स को आपको यूजुअली ड्राई और वेट एरिया में रखना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया आपका ड्राई एरिया जहाँ पे आपका कमोड और सिंक रहेगा और ये हो गया आपका वेट एरिया जहाँ पे आपका शावर रहेगा। अब इसको आप ड्राई और वेट कैसे रख सकते हैं? आपको एक कैबिन या पार्टीशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे आप जब शावर करें तो उसका पानी बाहर नहीं आएगा और यहाँ से आपका जो स्टीम है वो बाहर चले जाएगा पानी का। और इस दरवाजे की खास बात ये भी है कि ये एक मैग्नेटिक लॉक के सिस्टम से अटैच है जो आपके दरवाजे नज़दीक आते आते अपने आप लॉक हो जाएंगे।
ये टफेंड ग्लास से बनते हैं जिसपे एक कोटिंग लगती है, उस कोटिंग से आपका पानी ड्रिप होते जाएगा और उससे आपको ग्लास हर वक्त पहुंचते नहीं रहना पड़ेगा, मेंटेनेंस में आसानी हो जाएगी। अभी ये आपका स्लाइडिंग पार्टीशन है और इस पार्टीशन में आपके चैनल्स दिख रहे हैं, आप स्लाइडिंग भी यूज कर सकते हैं या ओपनेबल भी यूज कर सकते हैं, पर बिना चैनल्स वाला भी पार्टीशन है जो मैं आपको अब बताऊंगी। ये है हमारा फ्रेमलेस पार्टीशन जिसमें कोई चैनल्स नहीं है, सिर्फ आपके ग्लास है और कुछ एक्सेसरीज है जैसे हिंजेस। इससे आपका जो कैबिन है बहुत क्लीन और नीट दिखेगा और इससे आपका बाथरूम भी बहुत प्यारा लगेगा। तो आपके जो पार्टीशंस, ग्लास पार्टीशंस है, उसमें आप क्लियर ग्लास भी ऑप्ट कर सकते हैं या आप एक पैटर्न लगवा सकते हैं अपने ग्लास पे। जैसे इस ग्लास में एक पैटर्न लगा है, उससे आपका जो विजुअल एक्सेस होगा वो कम होगा और ग्लास दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस ग्लास को एचिंग पैटर्न्स बोलते हैं, जिसको ब्लास्टिंग प्रोसेस से किया जाता है और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे ये वाले आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे पूरा एचिंग या आपका थोड़ा फॉगी पैटर्न या रॉक पैटर्न, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं और आप अपने ग्लास से कंबाइन कर सकते हैं। आर्टिस्ट रेंज में एक और एक स्पेशल फ्लशिंग सिस्टम है जिसको न्यूमैटिक फ्लशिंग सिस्टम बोला जाता है। इस फ्लशिंग सिस्टम की खास बात यह है कि आप एक फेदर टच में फ्लश कर सकते हैं और जब फ्लश करेंगे तो उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम आवाज आएगी और ये बहुत स्मूथ है ऑपरेशन में। इसमें और एक कमोड ऑप्शन, डब्ल्यूसी ऑप्शन ये भी है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पूरा ऑटोमेटेड कमोड डिजाइन होगा जिसको ऑटोमेटिकली बंद होगा और ऑटोमेटिकली ओपन भी होता है और उसके रिमोट ऑपरेशन यहाँ पे है। और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपके वाटर जेट्स होंगे क्लीनिंग पर्पस के लिए और ये रिमलेस भी है। इसमें आपका सीट ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है ताकि आपको एक अच्छा टेम्परेचर मिले और बहुत ठंडा नहीं लगे जब आप बैठते हो। ये हमारा शावरट्रॉनिक IV6 सिस्टम है जो आर्टिस्ट रेंज में एक्सक्लूसिव है। इस पर्टिकुलर शावरिंग सिस्टम की खासियत यह है कि आपको एक डिजिटल रिमोट से ही ऑपरेशंस मिल जाएंगे, पर इसमें एक और एक खास बात यह है कि 5 की जगह आपको 6 ऑपरेशंस एक ही में मिल जाएंगे। इसमें आप अपना वाटर टेम्परेचर एग्जैक्टली सेट कर सकते हो और वही पानी आपको कंटिन्यूसली आता रहेगा। और समझो अगर आप इमीडिएटली जा रहे हो शावर के लिए तो एक 20 सेकंड का आप ऑन कर सकते हो, इस 20 सेकंड में आपका ठंडा पानी फ्लश आउट होके सिर्फ गर्म पानी चालू हो जाएगा। इस सिस्टम की और एक खास बात यह है कि आपके टोटल 2 इनलेट्स होंगे जिसमें एक इनलेट आपका शावरिंग सिस्टम्स के लिए होगा जिसे अलग अलग शावरिंग टाइप्स यूज कर पाएंगे और एक इनलेट आपका स्पाउट का होगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, आप जब दोनों को साथ में यूज करना चाहे तो उसका प्रेशर कम नहीं होगा अलग इनलेट्स होने के वजह से। और इसमें एक बैकअप सिस्टम भी है, तो समझो अगर आपका पावर चला जाए, अगर आपका जनरेटर टाइम लेता है ऑन होने के लिए या कनेक्ट होने के लिए, तो 20 मिनट तक ये आपकी सहायता करेगा। आर्टिस्ट सेक्शन की खास बात यह भी है कि आपको सारे एक्सेसरीज में अलग अलग फिनिशेस मिल सकते हैं, जैसे एंटिक गोल्ड, ग्लॉसी गोल्ड, मैट ग्रे, मैट व्हाइट, मैट ब्लैक। तो ये फिनिशेस आपके सारे एक्सेसरीज में अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे शावर हेड्स हो या टैब्स हो या स्पाउट्स हो या अन्य एक्सेसरीज भी हो, पर इसके लिए 4 से 6 हफ्तों की वेटिंग पीरियड होती है आपके ऑर्डर करने के बाद। आर्टीज में एक अवार्ड विनिंग टैप की डिजाइन है जो उसके वॉश बेसिन डिजाइन के साथ मैच की हुई है, इसका नाम टियारा है। ये टैप आपके रोटेट करने से ऑपरेट होता है, जब आप इनिशियली घुमाते हो तो ठंडा पानी आना शुरू होगा, बीच में आपका पानी हॉट एंड कोल्ड मिक्स होके आएगा और अंत में आपका सिर्फ हॉट वाटर आएगा। इस सिस्टम में खास बात यह है कि जब आप इसको घुमाते हैं बंद करने के तरफ ही ये बंद हो जाता है और बंद करने के बाद कोई पानी ड्रॉप नहीं होता है,
तो इससे आपका कोई टैप गंदा नहीं होगा या आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये टैप्स बेस्ट इसी वॉश बेसिन के साथ सूट होता है, पर आप अगर इसको किसी और वॉश बेसिन के साथ लगाना चाहे तो उसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। और एक टैप, खास टैप जो है, ये है बर्ड के डिजाइन में, जिसको घुमाने से आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर आ जाएगा। ये और एक खास टैप है जो जिसको बैम्बू, हाफ कट बैम्बू डिजाइन में बनाया गया है। तो पुराने जमाने में बैम्बू पानी को चैनलाइज करने के लिए यूज किया जाता था, तो इसी बैम्बू के कॉन्सेप्ट को लेके ये टैप डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आपके ऑन करने से पानी उधर से फ्लो होके इधर कैस्केड इफेक्ट में नीचे गिरेगा, ताकि ये पानी थोड़ा सॉफ्ट तरीके से आपके हाथों पे आए। उसमें एक फोम का भी एडवांटेज डाला गया है, फोम स्टाइल में आपका पानी आएगा झाग के साथ। इस टैप का नाम है फ्लूर। इसका इंस्पिरेशन फ्लावर वास से लिया गया है। इसमें पानी ऊपर तक आके कैस्केड इफेक्ट में यहाँ से फ्लो होता है। किसी भी समय में ये 3/4 तक पानी फिल हुआ रहता है। अगर आप इस पूरे को ड्रेन करना चाहे तो इसको खींच के ड्रेन कर सकते हैं। ये डाइनिंग एरियाज के लिए रेकमेंडेड है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है और आप नेचुरल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं इसमें हर वक्त। ये है हमारा स्टीम कैबिनेट। आर्टिस्ट सेक्शन की स्टीम कैबिनेट की खास बात ये है कि इसके कोई भी जो एक्सेसरीज है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे इस वाले बॉडी शेल में सिर्फ आपके स्पाउट्स दिखाई दे रहे हैं, पर एक्सेसरी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक मिक्सर के अलावा। और इसमें शावर हेड में भी आपका कोई फिक्स्चर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपके पाउच दिख रहे हैं। ये है आर्टिस्ट का फ्री स्टैंडिंग बाथटब। इस बाथटब की खासियत इसकी डिजाइन है, जो एकदम स्लीक और स्मूथ है। इसमें इसका बैक रेस्ट भी बहुत ही स्मूथ तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस बाथटब में आपको मसाजेस या बॉडी शावर्स की कोई आइटम्स नहीं है, पर इसको सिर्फ आप गर्म पानी डाल के आराम से रिलैक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप बड़े बाथरूम्स में बीच में लगा सकते हैं, ताकि इसको आइलैंड टाइप फीलिंग दे सके आप अपने बाथरूम। ये एक वर्लपूल है, वर्लपूल टब है, जिसमें आपके इनबिल्ट वाटर हीटिंग सिस्टम्स है, तो इससे आपका गर्म पानी कॉन्स्टेंट रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसका जो वाटर जेट्स है, इसके जो जेट्स है वो अनसील्ड है। और ये एक अर्गोनॉमिकली डिजाइन वर्लपूल है, जिसको जिससे आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। ये हमारे फ्लो टू किचन सिंक के फॉसेट्स है। इस फॉसेट की खास बात यह है कि आप इसको खींच के, 1 मीटर का लंबा पाइप है जिसको आप अपने पूरे सिंक एरिया की तरफ घुमा के खींच के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें 2 टाइप के फ्लोज आते हैं, एक है कंसिस्टेंट फ्लो और एक है स्प्रिंकलिंग फ्लो। स्प्रिंकलिंग फ्लो से आप अपनी सब्जियां वगैरह अच्छे से धो सकते हैं, और कंसिस्टेंट फ्लो से आप क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई के वजह से आपका प्रेशर भी डिवाइडेड होगा और आपको यूजेज भी अच्छे से आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी जैक्वार और आर्टिस रेंज के सारे बाथिंग सॉल्यूशंस। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी, ताकि आप अपने एक्सेसरीज अच्छे से चूज कर पाए और डिसाइड कर पाए कि आप अपने घरों के बाथरूम से क्या लगा सके। अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके। हमारा सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।